बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 का कर रहे थे, उसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। तो सबसे पहले जब आपके पास अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ आ जाए तो आपने उसका फार्मूला मेंशन करना है और दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, टू को आपने ए एन प्लस बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया और ए प्लस बी को ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली आपने सॉल्व कर सकते हैं कि टू ए एन प्लस टू बी एन, जबकि राइट हैंड साइड पे आपने ए को पहले ए एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए को ए एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ए एन आएगा। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि ए की पावर वन है, जबकि दूसरे ए की पावर एन माइनस वन है, तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। ए एन माइनस वन प्लस वन, तो ये हमारे पास ए एन आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसी तरह बी को बी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो बी एन आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप टू ए एन में से जो राइट हैंड साइड पे ए एन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और टू बी एन में से बी एन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए एन प्लस बी एन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ए बी एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन भी बचेगा। अब आप देखें कि ए एन को ए एन में से आपने ए एन माइनस वन बी सब्ट्रैक्ट करना है और ए लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपके पास ए बी एन माइनस वन है, उसमें आपने बी एन को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो आपके पास बी एन बच जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें से जब माइनस किया तो ए एन माइनस वन आपके पास क्या आ गया, ए माइनस बी। ये मैंने बहुत क्लियरली आपको करके दिखाया हुआ है कि ए एन कैन बी रिटर्न एज ए एन माइनस वन प्लस वन। ये मैंने रफ जो आपका प्रोसीजर किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि आपका ए एन कैन बी रिटर्न एज ए एन माइनस वन प्लस वन। तो आप इस तरह लिख के कॉमन निकाल लेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आप बी एन की जगह बी एन माइनस वन प्लस वन लिख लेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि माइनस वन प्लस वन से कैंसिल तो हो ही रहा है, लेकिन दोनों तरफ बी एन माइनस वन कॉमन निकल आएगा। उसके बाद आपने ए एन माइनस वन को बी एन माइनस वन से डिवाइड कर देना है और ए माइनस बी को ए माइनस बी से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास वन आ गया। अब आपको पता है कि कोई कितनी भी बड़ी रकम हो, अगर उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो वन के बराबर होता है बाय डेफिनेशन। तो हम इनकी बेसिस सेम कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एन की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ए ओवर बी एन माइनस वन बराबर है ए ओवर बी और इसकी पावर ज़ीरो। अब हम जब इनकी पावर्स को इक्वेट करेंगे तो एन माइनस वन किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। तो हमारे पास एन की वैल्यू वन आ गई है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में मज़ीद दो क्वेश्चन मज़ीद आएंगे जो कि हम आगे करेंगे, लेकिन वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हमारा 197 पेज पे जो टॉपिक है वो सीरीज़ है। हमने इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एन स्क्वायर एक सीरीज़ की फॉर्म में है तो हम अगर एन की जगह वन लिखेंगे तो वन का स्क्वायर आ जाएगा, टू लिखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, और थ्री लिखेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा। अब सीरीज़ का मतलब है कि कोई भी चीज़ उसमें प्लस का साइन होगा आपके पास। इसी तरह इस इन सीरीज़ में भी आपका फर्स्ट टर्म ए ही कहलाएगी, कॉमन डिफरेंस डी आपने कैसे निकालना है कि सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा सीरीज़ का, तो उसमें इसकी मेन पहचान ये है कि उसमें के में प्लस या माइनस लगा हुआ होगा, और इसका फार्मूला ये दो हैं। एक फार्मूला जिस पर थ्री लिखा हुआ है कि एन बाय टू ए वन प्लस ए एन। तो ए एन का क्या मतलब है कि जो पिछली एक्सरसाइज में हमने फार्मूला पढ़ा था ए वन प्लस एन माइनस वन डी लिखा, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो क्या है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब टू ए वन भी कह सकते हैं, टू ए यानी फर्स्ट टर्म हमेशा ए ही कहलाएगी। इसके
के तहत हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें एक्सरसाइज 6.4 में जो आपका शॉर्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ये पार्ट जो है ये आपकी क्लासेस में है, बाकी पार्ट आपके होमवर्क में दिए हुए हैं, तो हम इस पार्ट को देखते हैं। अब देखें सम द सीरीज़, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो हमें सीरीज़ का फार्मूला याद होना चाहिए जो कि किसके बराबर है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप देखें कि इसमें आप एन, आपको पता है कि एन भी क्या चीज़ है, डी भी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, ए नंबर ऑफ टर्म्स है। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म आपकी 3/√2 है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, दरमियान में प्लस का साइन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीरीज़ फाइंड आउट करें, तो ए 13 उन्होंने निकाला है, इसका मतलब है कि एस एन किसके बराबर होगा, एस 13 के बराबर होगा। ये चीज़ आपने याद रखना है, यानी एन की जगह आपने 13 लिखना है। तो अब आप सबसे पहले ए लिख देंगे, उसके बाद जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2√2 − 3/√2। अब आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो √2 कैसे एलसीएम आ जाएगा, तो 2√2 और इस √2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये जो पॉइंट है ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको जैसा कि समझाया गया है और यहाँ आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, तो √2 √2 के बराबर है, तो 2 − 4 − 3 यानी 1/√2 डी के बराबर है। अब आपने इस फार्मूले में पुट किया तो 13/2 टू फार्मूले का है, ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिखी, एन की जगह 13 लिखा, −1 यानी ये 12 हो गया आपके पास, और डी आपका क्या है 1/√2। अब आपने इसे सॉल्व किया तो 13/2 3 × 2 = 6/√2 + 12/√2। अब देखें इसका एलसीएम सेम है तो √2 आ जाएगा नीचे, और नीचे 6 + 12 = 18। अब 18/√2, अब 2 जब 18 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 117/√2 आ गया। तो एस 13 का आपका आंसर क्या है कि 117/√2। अब आप देखें गर्ल्स के इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पहचान यह है कि सम द सीरीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपने सीरीज़ का फार्मूला लगाना है। कभी आपने ये गलती नहीं करनी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाना है। नंबर 2 आपने कॉमन डिफरेंस बिल्कुल उसी मेथड से निकालना है कि सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स वो होंगी जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, और आपने जो है फार्मूले में ए की वैल्यू लगानी है, डी की वैल्यू लगानी है, एन की वैल्यू लगानी है, और इसको सॉल्व करके आंसर एस 13 का 117/√2 है। इसके अलावा इसके जो पार्ट आपके शॉर्ट सिलेबस में होमवर्क में मेंशन है उनको आप अच्छी तरह तैयार करें। आज आपने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट 6.3 के क्वेश्चन किए हैं और 6.4 का सेकेंड क्वेश्चन आपने किया है। इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।